नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज अब हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब बस धुआंधार जुटने वाली हैं। अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है, देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल पर कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन सांसद की संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और हमारा दूसरा आधार है, जी हां, ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम इस कड़ी में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के भिंड से सांसद संध्या रे का रिपोर्ट कार्ड। भिंड लोकसभा सीट पर करीब 35 सालों से बीजेपी का कब्जा है। राजनीति की अगर बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा सीट बीजेपी का अभेद गढ़ मानी जाती है। पिछले 35 सालों में कांग्रेस ने यहां जीतने का हर संभव प्रयास किया लेकिन नाकाम रही। अब तक इस सीट पर 15 चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 11 चुनावों में बीजेपी और जनसंघ ने परचम लहराया है। वहीं कांग्रेस 3 बार, बीएलडी 1 बार भिंड में जीत हासिल कर पाई है। सांसद संध्या रे एक सांसद के तौर पर कितना काम कर चुकी हैं, उनके काम से भिंड की जनता कितनी खुश है, यह संसद में प्रदर्शन के आधार पर संध्या रे को 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं, साथ ही ग्राउंड पर किए काम और विकास के आधार पर भिंड की जनता 10 में से आखिर कितने नंबर दे रही है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे बस थोड़े से इंतजार के बाद। लेकिन उससे पहले देखिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। सीट पर 15 चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 11 चुनावों में बीजेपी और जनसंघ ने परचम लहराया है। वहीं कांग्रेस 3 बार तो बीएलडी 1 बार भिंड में जीत हासिल कर पाई है। देखते हैं भिंड लोकसभा सीट का इतिहास। 1996 से 2004 तक की लोकसभा चुनाव में बीजेपी से रामलखन सिंह यहां से सांसद बने। इसके बाद 2009 के आम चुनाव में अशोक छविराम अर्गल यहां से सांसद चुने गए। फिर 2014 के आम चुनाव में बीजेपी से ही
भागीरथ प्रसाद यहाँ से सांसद बने। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से संध्या रे यहाँ से सांसद चुनी गई है। भिंड लोकसभा में करीब 18 लाख मतदाता हैं। विकास की रफ्तार काफी धीमी है, लेकिन कुछ सालों में भिंड लोकसभा में विकास दिखने लगा है। हर विधानसभा में विकास की गति को तेज किया जा रहा है। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। अटेर, भिंड, लहार, मेहगांव, गोहद, सेवड़ा, भांडेर और दतिया। भिंड लोकसभा में वैसे तो मुद्दों पर आजकल वोट देने का पैटर्न दिख रहा है, लेकिन यहाँ पहले जातिगत समीकरण हावी रहते थे। डकैतों के आतंक से जनता त्रस्त रहती थी, लेकिन भिंड की तस्वीर अब बदल रही है। साक्षरता दर में भारी इजाफा हुआ है, तो देखते हैं यहाँ का वोटर्स समीकरण क्या है। पुरुष 52%, महिला 48%, शहरी 25%, ग्रामीण 75%, एससी वोटर्स 23% और एसटी वोटर्स 8.5% हैं। भिंड में सामाजिक असंतुलन बहुत ज्यादा है। बुनियादी सुविधाओं के लिए यहाँ की जनता सालों से तरस रही है। लोकसभा चुनाव में यहाँ स्थानीय से ज्यादा राष्ट्रवाद का मुद्दा भी छाया रहता है। किसानों के मुद्दों पर हर पार्टी बड़े वादे भी करती रही है, लेकिन यहाँ की जनता अभी भी कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है। मसलन चरम बेरोजगारी है, पलायन, डकैतों का आतंक, सिंचाई की समस्या है, पेयजल बड़ा संकट है, शिक्षा स्वास्थ्य पूरी तरह से लचर है, लोकल सड़कें बेहाल है, कनेक्टिविटी की भारी दिक्कत है और ग्रामीण पिछड़ापन साफ दिख जाता है। 2024 का आम चुनाव भिंड लोकसभा के लिए बहुत ही अहम है। चुनाव से पहले भिंड की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसकी रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं भिंड से बीजेपी की सांसद संध्या रे की रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल, बस थोड़ा सा इंतजार। तो कैसी है भिंड लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे, चुनाव के वक्त जातिगत समीकरण कैसे हावी होते हैं, वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद संध्या रे का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है। और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन। संसद में अगर उपस्थिति की बात करें तो संध्या रे करीब 94% उपस्थित रही है। 94% सदन में भिंड और देश हित में सांसद संध्या रे से हमेशा सवाल उठाती रही हैं। 2019 के बाद संसद में संध्या रे ने 60% सवाल पूछे हैं जो कि भिंड और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद संध्या रे ने करीब 100% सांसद निधि का उपयोग कर लिया है। संसदीय आंकड़ों के मुताबिक तय राशि से ज्यादा ही विकास कार्यों पर सांसद के जरिए खर्च किए गए हैं। पिछले 5 साल में भिंड में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 70% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर भिंड की सांसद संध्या रे को 10 में से मिलते हैं पूरे 8.1 नंबर, जो बेहतर यानी कि शानदार कहा जा सकता है। 10 में से 8.1। तो आपने देखा भिंड की सांसद संध्या रे को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.1 नंबर मिले। बस थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो
भिंड की लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकल कर सामने आया है। लेकिन उससे पहले भिंड की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। बिल्कुल फंसा है। किसे चुनेंगे दोबारा लोकसभा चुनाव में? संध्या राय जी को। अगर संध्या राय जी को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो किस पार्टी को नहीं बनाया जाए? चुनने का दोबारा मौका मिलता है तो संध्या राय को सपोर्ट करूंगा। आगामी लोकसभा चुनाव में आप नरेंद्र मोदी का समर्थन करता हूँ? नहीं, हम बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर दोबारा सांसद को चुनने का मौका मिलेगा तो क्या करेंगे? हम नए प्रत्याशी देखेंगे, विकास करें भिंड का। अगर आपकी ये वर्तमान सांसद तो किस पार्टी को वोट करेंगे? जो आप अच्छा पास चार यार उसको वोट करेंगे हम। तुमने सांसद के कामकाज से खुश है? पूर्ण रूप से। आगामी लोकसभा चुनाव में किसको चुन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? जी खुश हूं। आगामी लोकसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे? संध्या राय को। हम आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हो? आगे चुनाव में आप किसको देखते हुए वोट करोगे? सांसद को देखते हुए वोट करोगे, मोदी जी को देखते हुए वोट करोगे? सांसद देख कर करेंगे। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? बिल्कुल। आगामी लोकसभा चुनाव में किसे वोट देंगे? संध्या राय को। अगर आपका पसंदीदा उम्मीदवार बदल जाता है तो किस पार्टी को वोट करेंगे? बीजेपी को। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हूं। आगामी लोकसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे? संध्या राय जी को। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? खुश हूं। आगामी लोकसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे? भाजपा को। बिल्कुल खुश हूं। किसको वोट करेंगे आगामी चुनाव में? संध्या राय को। आपके पसंदीदा उम्मीदवार को अगर नहीं टिकट मिलता है तो किस पार्टी में जाएंगे? भाजपा। किसको देखते हुए वोट करेंगे? सांसद के कामकाज को देखते हुए, मोदी को देखते हुए? सांसद के कामकाज को देखते हुए। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? जी खुश हूं। आगामी लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट करेंगे? संध्या राय। अगर आपका पसंदीदा उम्मीदवार बदल जाता है तो फिर किस पार्टी को वोट करेंगे? बीजेपी। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? खुश हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे? संध्या राय। आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? एकदम खुश हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे? संसद को पहले दो। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हां खुश हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे? संध्या राय को। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? नहीं खुश हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को। अगर आपका पसंदीदा उम्मीदवार बदल जाता है तो किस पार्टी को वोट करेंगे? पसंदीदा तो अपनी मर्जी से चुनेंगे। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? आगामी लोकसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे? मोदी को देखते हैं। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर संध्या राय को 10 में से 8.1 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास मानी जाएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला तय होगा। जी हां, इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब भिंड लोकसभा सीट की जनता ने बड़े ही खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 48%, नहीं कहने वाली 51% और पता नहीं 1%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 46%, नहीं कहने वाली 50% और पता नहीं 4%। तीसरा सवाल, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या आप उसी पार्टी को वोट करेंगे? यानी जिस पार्टी का वो उम्मीदवार है उसी पार्टी के लिए आप बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता है 67%, नहीं कहने वाली 22% और पता नहीं 11%। चौथा सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? ए मोदी फैक्टर 45%, बी सांसद फैक्टर 18%, सी पार्टी फैक्टर 33% और पता नहीं 4%। पांचवा और अंतिम सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 66%, नहीं कहने वाली 24% और पता नहीं 10%। पांच सवालों का जवाब भिंड की जनता ने खुले दिल से दिया है। अधिकतर जनता सांसद के काम से खुश नहीं है। दोबारा सांसद के तौर पर यहां की जनता प्रत्याशी को
बदलना चाहती है संकेत है। सांसद फैक्टर से ज्यादा मोदी फैक्टर यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा और खास फैक्टर दिखाई दे रहा। मोदी फैक्टर के आधार पर यहाँ की जनता वोटिंग करना चाहती है। संध्या रे क्षेत्र में बेहतरीन सांसद, लोकप्रिय सांसद के तौर पर पहचान बनाने में नाकाम रही हैं। क्षेत्र में विकास कार्यों और सांसद के काम के आधार पर यहाँ की जनता सांसद संध्या रे को 10 में से दे रही है मात्र 4.8 नंबर, जो काफी कम है। मतलब साफ है, संसद में सांसद महोदया अपने वादों पर खरी नहीं उतर रही। यह भले ही संसद में संध्या रे का प्रदर्शन बेहतरीन रहा हो, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में सांसद का प्रदर्शन अच्छा नहीं दिख रहा। जमीनी हालात ठीक नहीं है। जी हाँ, अब वक्त आ गया है जिसका इंतजार आपको है। अब जानते हैं सांसद संध्या रे के रिपोर्ट कार्ड में लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थित यानी कि अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, सांसद निधि का उपयोग यानी कि एमपी लैड फंड और विशेष योगदान यानी कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन पर सांसद को 10 में से 8.1 नंबर मिले हैं। वहीं भिंड लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए इस आधार पर 10 में से मात्र 4.8 नंबर ही मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद संध्या रे जनता की उम्मीदों पर औसत ही दिखाई दे रही है। जी हां, भिंड की जनता ने सांसद संध्या रे के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है 50-50, यानी ना तो पास और ना ही फेल। यहां तक कि क्षेत्र की जनता उम्मीदों पर फेल ही दिखाई दे रही है संध्या रे जनता की उम्मीदों पर। लेकिन संसद और ग्राउंड के प्रदर्शन के आधार पर 50-50 स्टेटस दिख रहा है। भिंड लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी और हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकल कर सामने आया, जिसे हमने आपको बताया, दिखाया, सुनाया और समझाया भी, जिसमें भिंड की सांसद संध्या रे ना तो पास हैं और ना ही फेल, ना तो पास ना ही फेल। तो आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा, आपका अपना लोकप्रिय शो कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें भिंड की सांसद संध्या रे ना तो पास हैं और ना ही फेल, यानी 50-50 ही है। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर भिंड की जनता वोट करेगी कहना इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार यानी कल फिर मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।